स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि हम इस कार्यक्रम के द्वारा लगातार अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षाओं को ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 9 सप्ताह से हमारे मनन का विषय रहा है बाइबल आधारित पवित्रता। इसी के अंतर्गत हम सीख रहे हैं कि पवित्र कैसे न बने, और अब तक हम लोगों ने 9 पाठ इस विषय पर सीख चुके हैं। अप टिल नाउ वी हैव स्टडीड 9 lessons ऑन हाउ नॉट टू सेंक्टिफाई। लेसन नंबर 1 वॉज डू नॉट डिपेंड ऑन योर स्ट्रेंथ। पहला पाठ था अपनी ही ताकत पर निर्भर न रहें। प्रियो, परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दिया है कि हम पवित्र बने, पर इस आज्ञा के साथ साथ एक प्रतिज्ञा भी दिया है कि मैं वो परमेश्वर हूं जो तुम्हें पवित्र करता हूं। उसने अपने आप को एक नए नाम से हम लोगों पर प्रकट किया, यहोवा मेकादेशम, अर्थात मैं हूं जो तुम्हें पवित्र करता हूं। लेसन नंबर 2 वॉज डू नॉट फॉरगेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा पाठ था कि अपनी जिम्मेदारी को हम भूल न जाएं। और इसके अंतर्गत हमने देखा कि प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें पहले ही सिद्ध कर दिया है, और यह हमारा विश्वास है। और अब जो जीवन हमारा उसके आने के दिन तक चलेगा, ये बड़े भय में उस पवित्रता को आगे लेकर सिद्धता की ओर बढ़ते जाते हैं, ये हमारी दशा है। परमेश्वर के बगैर मैं नहीं कर पाऊंगा, और मेरे बगैर परमेश्वर नहीं करेगा। लेसन नंबर 3 वॉज डू नॉट बिकम सिन कॉन्शियस। तीसरा पाठ था अपने पाप के प्रति ही सोचते ना रहें। पवित्र आत्मा बेशक हमारे पापों को स्मरण दिलाकर हमें कायल करता है, केवल इस बात के लिए कि हम उन पापों से पश्चाताप करें, फिर जाएं और प्रभु के पास में आ जाएं। लेकिन कई बार शैतान हम पर दोषारोपण करता रहता है इस बात के लिए कि हमें दुखी कर दे और फिर आगे बढ़ने ना दे। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने अतीत को भुला दें, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं हमारे पापों को क्षमा किया है और फिर उनको भूल गया है। लेसन नंबर 4 वॉज विफलताओं के लिए बहाने न दें। डू नॉट गिव एक्सक्यूजेस फॉर फेलियर्स। हम अपनी पवित्रता में तब तक उन्नति नहीं कर पाते हैं जब तक कि हम अपने दोष को स्वीकार करना ना सीखें। दोषारोपण करते हैं, अपना बोझ उस पर डाल दिया, उस पर दोष लगा दिया, इस प्रकार की बातें जब तक हम करते रहेंगे तब तक हम अपने पवित्रता में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेसन नंबर 5 वॉज डू नॉट ओवरलुक द सिन ऑफ ओमिशन। अकरण के पाप को अनदेखा न करें। साधारणता लोग उन सारे पापों से जो एकदम स्पष्ट दिखाई देते हैं, गलत काम वाले, उनको पाप कहते हैं और उनसे दूर रहते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वो भी पाप ही करता है। और इसीलिए बेहद आवश्यक है मेरे मित्रों, क्योंकि परमेश्वर दोनों प्रकार के पापों को उतनी ही गंभीरता से लेता है। इसलिए हम भी परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहने के लिए गलत काम वाले पाप भी न करें और भलाई न करने की भूल भी न करें। लेसन नंबर 6 वॉज डू नॉट प्रैक्टिस सेक्लूशन। 6वां पाठ था एकांत का अभ्यास न करें। लोग साधारणता समझते हैं कि संसार बड़ा पापी है और खुद को पवित्र बनाना है तो उनसे दूर हटके रहो। बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल हमसे कहती है कि पाप से घृणा करना है, पापी से नहीं। प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन से सीखे,
पापियों के बीच में मिल गए, उनके साथ में उठना बैठना किया, खाना पीना किया, सब कुछ उनके साथ में मिलजुल करके किया और फिर भी निष्पाप बना रहा, निष्कलंक बना रहा। हमारा जीवन भी इस संसार में इसी रीति से चाहिए कि हम सबके साथ मिलनसार रहें, मेल मिलाप से रहें, लेकिन फिर भी पाप से दूर रहें। लेसन नंबर 7 वॉज डू नॉट बिलिटल रिलेशनशिप्स। सातवां पाठ था रिश्तों को छोटी बात न समझें। पवित्रता का वास्तविक अर्थ हम तब समझ पाते हैं जब हम अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ सीधा रखते हैं, और जब परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सीधा रहता है तब लोगों के साथ भी हमारा रिश्ता सीधा हो जाता है। और यदि हम एक बात में चूक जाते हैं तो फिर हम पवित्रता के मार्ग पर बराबर नहीं हैं। हमारा जीवन परमेश्वर के सम्मुख भी निर्दोष चाहिए और मनुष्यों के बीच में भी ग्रहण योग्य चाहिए। लेसन नंबर 8 वॉज डू नॉट स्लैक इन डिवोशनल डिसिप्लिन्स। आठवां पाठ इस प्रकार से था कि भक्ति अभ्यासों में ढीलापन न दिखाएं। और हमने अलग अलग भक्ति अभ्यासों को देखा, जैसे बहुत जरूरी है कि हम हमेशा बाइबल मनन करते रहें, बाइबल का अध्ययन करते रहें और वचन को अपने में भर लें ताकि परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप न करें। हम वचन से अपने आप को भर लें, वचन की तलवार उठा लें ताकि परीक्षाओं के समय शैतान का सामना कर सकें। दूसरा अभ्यास जो हमने देखा वो था कि जागृत रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है और प्रार्थना में लवलीन रहने का है, लगातार प्रार्थना में हमें अपना जीवन बिताना चाहिए। तीसरी बात जो हमने देखे थे वो यह था कि क्रिस्तीय विश्वासी भाई बहनों के साथ में हमारी संगति बंद नहीं होना चाहिए। हमें लगातार एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को संभालते हुए, एक दूसरे को सिखाते हुए, जरूरत पड़ी तो एक दूसरे को सुधारते हुए चलते जाना है, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और चौथा आत्मिक अभ्यास जो हमने उस दिन सीखा था वो था कि समय समय पर आत्म परीक्षण करते रहें और इस प्रकार से अन्य बातें जो हमारे पवित्र जीवन से लड़ती हैं उनको निकाल बाहर करें, गलत बातें जो हमारे भीतर आ गई हैं उनको दूर करें, क्योंकि हम लोग स्नान कर चुके हैं, अब हमें पांव धोने की आवश्यकता है। पिछले सप्ताह हम लोगों ने नौवां पाठ सीखा था, लास्ट वीक वी हैड स्टडीड द नाइन्थ लेसन एंड दैट वाज डू नॉट बी ब्लाइंडेड बाय सक्सेस। नौवां पाठ था कि सफलता पा करके अंधे ना हो जाएं। साधारणतः लोग समझते हैं कि हमारे जीवन में जो आशीषें मिल रही है वो हमारे भलाई के कारण, हमारी धार्मिकता के कारण, हमारे अच्छे होने के कारण है। हम जो अपने जीवन में जयवंत होते जा रहे हैं और बहुत सारे आत्मिक वरदानों से भरते जा रहे हैं, हम बहुत अच्छे हो गए हैं। लेकिन बाइबल अध्ययन में हमने उस दिन पाया था कि वास्तव में परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है और इसीलिए हम आगे बढ़ पा रहे हैं, इसीलिए हम जीत पा रहे हैं, इसीलिए हमको परमेश्वर की आशीषें मिल रही हैं, इसीलिए हमको वरदान मिल रहे हैं। तो इस बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर जो भला है हमें इन सब बातों को दे रहा है। टुडे वी आर गोइंग टू क्लोज दिस सब्जेक्ट ऑन हाउ नॉट टू सेंटिफाई By the 10th lesson, आज दसवां पाठ के द्वारा इस विषय का हम लोग समापन करने जा रहे हैं कि पवित्र कैसे न बने। लेसन नंबर 10, डू नॉट स्टॉप ग्रोइंग इन होलीनेस। दसवां पाठ है पवित्रता में बढ़ने पर रोक न लगने दें। मैं इसे फिर से दोहराता हूं, पवित्र कैसे न बने, पाठ क्रमांक 10, पवित्रता में लगातार बढ़ते जाइए। बाइबल हमसे कहती है कि परमेश्वर की ओर से हमें पवित्र होने की बुलाहट है। दूसरा कुरंथी और उसके सातवें अध्याय और उसके पहले वचन में जो बात लिखी है वो बताता हूं। हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं तो आओ
हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हमको जो पवित्रता दी गई है, अब इस पवित्रता को बनाए रखना है, पवित्रता में बढ़ते जाना है और पवित्रता की सिद्धता में हमें आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय में 22वें अध्याय के 11वें वचन में देखिए क्या लिखा है, जो अन्याय करता है वो अन्याय करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। ये एक बार की घटना नहीं है कि हमारे हाथ में कुछ दे दिया गया है, अभी इसे संभालना है बल्कि निखारना है और सिद्धता की ओर ले चलना है। पवित्र होने के बाद में, पवित्रता प्राप्त करने के बाद में, परमेश्वर से वह शुद्धिकरण प्राप्त करने के बाद में इससे बने रखना है, इस पवित्रता को बनाए रखना है और उसमें बढ़ते चले जाना है। जब हम इसमें बढ़ना बंद कर देते हैं, जब हमारे पवित्रता में प्रगति नहीं होती है, तब हम मानो पीछे फिसलने लगते हैं, बिल्कुल उस तरीके से जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ रहा है, जब तक वो आगे बढ़ रहा है तो ऊंचे पर जाएगा, लेकिन जब वो रुक जाता है तो फिर फिसलने की बातें आ जाती हैं। मेरे मित्रों, बाइबल पर आधारित हमारे पवित्रता को हम तीन स्तर पर अनुभव कर सकते हैं। पहला है स्थिति या पवित्रता, पोजिशनल सैंक्टिफिकेशन, और यह एक निर्णायक क्षण होता है, एक परिवर्तन का अनुभव करने वाला समय होता है, जब हमारा नया जन्म होता है, जब हम क्रिस्त में नया जन्म लेते हैं, उस समय की बात है। पहला कुरंथी उसका 6वां अध्याय और उसके 11वें वचन में यूं लिखा है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। जो मसीह में नया जन्म पाता है वो इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के नाम में या उसके लहू में धोया जाता है, शुद्ध किया जाता है, धर्मी किया जाता है, और जैसे लिखता है पवित्र हो जाता है। उसी तरह से मेरे मित्रों, दूसरा वाला जो चरण है वो है प्रगतिशील पवित्रता, अर्थात प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन। यह वो प्रक्रिया है जो चलती रहेगी, यह प्रगतिशील है, यह इसे चलते रहने का है, एक ऐसा जो मसीह में हमारे जन्म होने के क्षण से परमेश्वर के प्रकट होने के समय तक ये कार्य चलता रहेगा और हमें इसमें लगातार बढ़ते जाना है। तीसरा जो चरण है वो है सिद्ध पवित्रता, अर्थात परफेक्ट सैंक्टिफिकेशन। ये फिर एक बार एक निर्णायक अनुभव है जो ख्रिस्त के आगमन के समय में होने वाला है। यह हमें फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसके पहले अध्याय और उसके 6वें वचन में मिलता है। फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसका 6वां वचन, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। हमारे भीतर कुछ काम आरंभ हुआ है, मसीह में जब हमारा नया जन्म होता है तब एक काम आरंभ होता है और मसीह के प्रकट होने के दिन तक ये चलता रहता है, और जिस दिन वो प्रकट होगा यह काम उस दिन पूरा होता है। तो ये तीन स्तर जो हैं वो है स्थितीय पवित्रता, प्रगतिशील पवित्रता और सिद्ध पवित्रता, और ये तीनों स्तर पर हम अलग अलग बातों को अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए स्थितीय पवित्रता जो है, मसीह को जब हमने ग्रहण किया या हमारा नया जन्म हुआ उस समय पाप के दंड से हम छुड़ाए जाते हैं। प्रगतिशील पवित्रता के स्तर पर क्या होता है कि हम एक जीवन जी रहे हैं जिसमें पाप की प्रभुता हम पर नहीं हो पाती है। और तीसरा जो है सिद्ध पवित्रता, इसके अंतर्गत हम पाते हैं कि वहां पाप की उपस्थिति भी नहीं है,
पाप की उपस्थिति से भी छुड़ाए जाएंगे। तो तीन अद्भुत आशीषें हैं, पाप के दंड से हम छुड़ाए जाते हैं, फिर एक लंबे समय तक पाप की प्रभुता से छुड़ाए जाते हैं, और फिर अंत में पाप की उपस्थिति से छुड़ाए जाएंगे। अब इन तीनों स्तर में अलग अलग काम चल रहा है अलग अलग व्यक्ति के द्वारा। कैसे? स्थितीय पवित्रता के समय में यह पवित्रता की शुरुआत है और यह कार्य परमेश्वर करता है। दूसरा, प्रगतिशील पवित्रता जो है यह पवित्रता में बने रहने की बात है और इसमें परमेश्वर के साथ साथ मेरी भी जिम्मेदारी है कि हमें भी कुछ करना है, हमको परमेश्वर के साथ में मिलकर अपने पवित्रता को सिद्धता की ओर ले जाना है। और जो तीसरा वाला है सिद्ध पवित्रता, उस स्तर पर पवित्रता का पूर्ण होना है, पवित्रता का सिद्ध होना है, और यह भी केवल परमेश्वर के हाथ में है। अब जो दूसरा वाला चरण है जहां पर परमेश्वर के साथ मिलकर मुझे काम करना है और मेरे पवित्रता में मुझको आगे बढ़ना है, जैसा कि आज का पाठ है कि पवित्रता में बढ़ते जाना है, पवित्रता में जो हम बढ़ रहे हैं उसमें रोक नहीं लगाना है, उस विषय पर हम थोड़ा समय बिताएंगे। प्रियो, आप चाहे बच्चे हो या जवान हो या बुजुर्ग हो, हमारे जीवन में पवित्रता को लेकर हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उसे हमने पूरा करना है। पहली बात है कि हमें सतर्क रहना है, बी वॉचफुल, ध्यान दें, सतर्क रहें, जागृत रहें। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और उसके 16वें वचन में बड़े स्पष्ट तरीके से संसार की यह अभिलाषाओं के बारे में लिखा है कि शरीर की अभिलाषा, आंख की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये सारे वो परीक्षाएं हैं जिसमें कोई भी पढ़ सकता है। और यह कहने के पहले जो प्रस्तावना में यूहन्ना के दूसरे अध्याय में 12वें वचन के आगे में देखूं तो पता लगता है ये केवल कुछ खास जवानों के लिए नहीं कहा जा रहा है यहां पर कि अभिलाषाओं से बचें। 12वें वचन में लिखा है, हे बालकों, छोटे लोगों को कह रहा है। 13वें वचन में कह रहा है, हे जवानों, युवा पीढ़ी से कह रहा है। और बाद में 14वें वचन में कहता है, हे पितरों, बुजुर्गों से भी कह रहा है। और उसके बाद वो कह रहा है, ध्यान देना, संसार से प्रेम मत करने लग जाना, परंतु अपने आप को सतर्क रखना और प्रलोभन में पड़ने से बचाना। प्रियो, प्रलोभन में पड़ने के लिए यह ना सोचना कि अभी तो मैं बहुत छोटा बच्चा हूं, मैं कैसे प्रलोभन में पड़ूंगा। या ये भी मत कहना कि मैं अभी बहुत बुजुर्ग हो गया हूं और मेरे सामने प्रलोभन नहीं हो सकते। बाल्यकाल के लोगों को भी कहा, जवानों से भी कहा और बुजुर्गों से भी, बाइबल कहती है कि प्रलोभन से बचना, संसार से बचना, संसार की अभिलाषाओं से बचना है। दूसरी बात, कीप स्ट्राइविंग, लगातार प्रयत्न करते रहें। इब्रानियों की पत्री और उसके 12वें अध्याय में और उसके 4थे वचन में देखिए क्या लिखा है। इब्रानियों 12 और उसका 4, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। परीक्षाओं में हम लड़ रहे हैं, हम जूझ रहे हैं, अपनी धार्मिकता को संभालें, अपने विश्वास को थामे हैं, और जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, बाइबल कहती है अभी तक तो वो वाली आई ही नहीं कि तुम्हारा खून बहा हो। वास्तव में हमारी जो परीक्षाएं हैं एक युद्ध के समान हैं। यदि हम प्रकाशित वाक्य में देखें, उसके 12वें अध्याय का 11वां वचन कहता है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सहली। स्वर्ग में ऐसे कुछ लोग पहुंचे हैं जो मसीह के नाम से कुर्बान हुए हैं, बलिदान हुए हैं, अपने प्राण को भी उन्होंने प्रिय न जाना, परंतु अपने विश्वास को थामे रहे, अपनी धार्मिकता को थामे रहे, प्रभु यीशु को थामे रहे, इन लोगों ने अपने पवित्रता को लेकर के आगे चलते रहे और इसीलिए उन्हें मृत्यु भी सहना पड़ा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, अभी तक हम वैसी परिस्थितियों से नहीं गुजरे हैं। प्रभु यीशु के शब्दों में जब वे पहाड़ी उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने 8वां धन्य वचन जो कहा था वो इस प्रकार से था कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं,
क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मेरे मित्रों, मैं पहले पत्रस में से और उसके तीसरे अध्याय में से भी आप लोगों को पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। पहला पत्रस उसका तीसरा अध्याय और 14 और 15वां वचन, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। अपने प्रभु को अपने हृदय में रखो, वो पवित्र है और वो तुम्हारे पवित्रता का कारण है और वही तुम्हें आगे ले चलता है। लोगों से डरने की जरूरत नहीं है और संसार से घबराने की जरूरत नहीं है। मसीह के कारण और उस धार्मिकता को बनाए रखने के कारण तुम दुख उठाने को भी तैयार हो जाओ। और नीति वचन की पुस्तक में से एक वचन बताना चाहता हूं, नीति वचन का 28वां अध्याय और उसके 14वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल ना होगा। प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम लगातार प्रयत्न करते रहें। तीसरी बात, कभी भी अपने जीवन में ये मत कहिएगा कि मैं पर्याप्त पवित्र हो चुका हूं, अभी यहां पर रुक सकते हैं, थम सकते हैं, फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। मैं आपको नीति वचन के ही 20वें अध्याय और उसके 9वें वचन में से बताना चाहूंगा, कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया? कौन है ऐसा व्यक्ति जो सर उठा करके कह दे कि मैं पवित्र हूं, मैंने अपने आप को पवित्र कर लिया या पाप से शुद्ध हो चुका हूं? एक बड़ा प्यारा सा उदाहरण मुझको अय्यूब के जीवन से मिलता है। अय्यूब के जीवन के समाप्ति वाले भाग में आइएगा, 42वें अध्याय में, कि फिर एक बार वह पुनर्स्थापित किया गया है, फिर से एक बार उस पर आशीषें आ रही हैं। लेकिन देखिए, उससे पहले यहां पर वचन में लिखा है 42:5-6 में, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। कहने का मतलब, कानों से सुना था मतलब मैं दूर था, लेकिन अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, मैं अब तेरे करीब आ गया हूं, मैं तेरे पास आ गया हूं, अब तुझको देख पा रहा हूं। आगे का वचन देखिए क्या कहता है, इसीलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। जब मैं दूर था तो इस बात का एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब मैं तेरी ओर बढ़ने लगा, परमेश्वर की ओर बढ़ने लगा, तो मैंने देखा कि मैं कितना घिनौना हूं, मैं कितना मैला हूं, मैं कितना चिथड़ा हूं। प्रियो, अपने जीवन में जब हम परमेश्वर के धीरे धीरे करीब बढ़ते हैं तो यह महसूस नहीं कर रहे हैं प्रभु के लोग कि हम तो चमकते जा रहे हैं, परंतु यह महसूस कर रहे हैं कि हाय, हम कैसी हालत में हैं। परमेश्वर के समीप जा करके वे पा रहे हैं कि नहीं, अभी हमें और उजला होने की जरूरत हो। फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसके 3rd अध्याय और उसके 12वें वचन में देखिए क्या लिखा है। फिलिपियों 3:12 में लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, परंतु उसे पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। अभी भी मेरा प्रयत्न चल रहा है, मैं प्रभु के इतने करीब आ गया लेकिन फिर भी उसे नहीं पा लिया, ऐसा कहता है पौलुस प्रेरित। अभी भी मेरा दौड़ना चल ही रहा है, मैं ये नहीं कह सकता मैं पवित्र हो गया, मुझे और आगे बढ़ना है। चौथी बात, गंभीरता से जीवन बिताएं। मैं विशेष करके इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत निकट है और उस बात को स्मरण करते हुए कि प्रभु यीशु क्रिस्त का आगमन बहुत करीब है, हमें अपना जीवन बड़े ध्यान से बिताना है और गंभीरता से लेना है। दूसरा पत्रस और उसके 3rd अध्याय का 12वां वचन आपको सुनाता हूं, परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल दाने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर के गल जाएंगे। एक भयानक दिन आने वाला है और उस दिन के लिए हमारी तैयारी की जरूरत है। 11वां वचन कहता है, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। हमारे पवित्र चाल चलन में और बढ़ोतरी होना चाहिए। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसके 13वें अध्याय के 11 और 12 वचन देखिए क्या कहते हैं, समय को पहचान कर ऐसा ही करो,
अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। अब सो नहीं सकते, अब लेट नहीं सकते, अब जल्दी से उठ जाओ, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसीलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियारों को बांध लें। समाप्त करने से पहले मैं कुछ इसी विषय पर परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो आपके साथ में बांटना चाहता हूं। नीति वचन का 4वां अध्याय और उसका 18वां वचन आपके लिए कहता है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता जाता है। उसी तरह से 2 कुरिन्थी और उसका 3रा अध्याय और उसके 18वें वचन में से बताता हूं। यहां पर यूं लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हम प्रभु के स्वरूप में फिर से एक बार उस महिमा में अंश अंश बढ़ते चले जा रहे हैं। उसी तरीके से 1 थिस्सलुनीकियों और उसके 5वें अध्याय और उसके 23वें वचन में से बताना चाहता हूं, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रखें। 4वें अध्याय का 7वां वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। 5वां अध्याय 24वां वचन कहता है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। मेरे मित्रों, ये वो समय होगा जब हमारी दशा और हमारी अवस्था एक होगी। हम एक सिद्ध दुल्हे को देखेंगे और उसके लिए तैयार एक सिद्ध दुल्हन को देखेंगे। मैं आपको प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय के 1वचन को बता करके समाप्त करना चाहूंगा। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है और उसके बाद में उसे एक आशीष मिल रही है। उस दुल्हन को शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, उसे नए कपड़े दिए गए, उसे धार्मिकता के वस्त्र दिए गए हैं और ये उस दुल्हन का पहरावा बनता है। मेरे मित्रों, यहां पर हमारी पवित्रता पूर्ण होती है, परिपूर्ण होती है। हाउ नॉट टू सैंक्टिफाई, डू नॉट स्टॉप ग्रोइंग इन होलीनेस। पवित्रता में बढ़ने पर रोक न लगने दें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।